आज की वीडियो में हम जानेंगे कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से बिहेव कर सकती है, कहाँ पे हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ पे एंट्री एग्जिट होने वाला है ये जानने की कोशिश करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है ये भी जानने की कोशिश करेंगे, ऑप्शन चंडिता जानेंगे, ऑप्शन चंडिता में कहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है एनालिसिस करेंगे ऑप्शन चंडिता का। तो चलिए शुरू करते हैं। 15 मिनट के टाइम पे निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। निफ्टी में अगर हम देखें तो निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 200 दिन की मूविंग एवरेज और 50 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर, बिल्कुल सपोर्ट भी ले रही है निफ्टी। आप देख पा रहे हैं आज के दिन निफ्टी थोड़ी सी साइडवेज थी, ये मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में बताया था कि साइडवेज हो सकती है मार्केट, और ये भी बताया था कि गैप फिल करने भी आ सकती है, अगर एक मूवमेंट आता है तो गैप फिल भी हो सकता है। और आज के दिन आप देख पा रहे हैं आधा तो गैप फिल हो चुका है, आधा बाकी है। देखते हैं कल के दिन अगर मार्केट ये आधा गैप फिल करती है तो अच्छी बात है दोस्तों, अगर हम प्रॉफिट उठा सके इतने गैप फिलिंग का। तो करना क्या है, एनालिसिस क्या होगी ये जानेंगे हम। थोड़ा सा ये जो लेवल है इसे हम यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है। 22,449 का ये हमारा रेजिस्टेंस बन गया है आज के दिन निफ्टी में। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है अपसाइड तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारे पास निफ्टी में बन के निकल के आ रहा है 22,569 का। यहाँ तक का मूवमेंट हमें बिल्कुल निफ्टी दिखा सकती है अगर मार्केट अपसाइड आती है तो, या तो फिर हो सकता है आज के दिन जैसे कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में आपको बताया था कि मार्केट गैप ऑफ ओपनिंग होती है तो यहाँ पे अगर गैप ऑफ ओपनिंग होगी तो एक बड़ी कैंडल बना के इस तरह से गैप फिल करेगी और फिर डाउनसाइड आ जाएगी। जैसे कि बैंक निफ्टी में हम देखते हैं, बैंक निफ्टी में बिल्कुल वही हुआ है जो मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में आपको बताया था। बैंक निफ्टी का चार्ट हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और आप देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी में वही हुआ है जो मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में बताया था। चार्ट हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं बैंक निफ्टी का तो आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ है और मैंने क्या बताया था। ये देखिए क्या बताया था मैंने कि अगर मार्केट को ओपन होते ही गैप फिल करना है ये वाला गैप तो मार्केट क्या करेगी, गैप ऑफ ओपनिंग देगी, एक बड़ी कैंडल बना के नीचे आ जाएगी और गैप फिल करेगी। लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी में आप देख पा रहे हो थोड़ा सा हल्का सा गैप बाकी है। तो कल के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी किस तरह से बिहेव कर सकती है ये जानने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी ने भी एक बड़ी 15 मिनट की कैंडल बनाई और फिर पूरा दिन साइडवेज ही रही, कुछ ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला। निफ्टी में देख लेते हैं, निफ्टी में कल के दिन अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होती है 200 दिन की मूविंग एवरेज और 50 डेज़ की मूविंग एवरेज के ऊपर ही फ्लैट ओपनिंग होकर अपसाइड निकलती है सपोर्ट लेके इस तरह से, तो हम यहाँ पर कहीं पर ट्रेड बना सकते हैं। जैसे हमें कोई बुलिश कैंडल यहाँ पर नज़र आती है उसका हाई जैसे ही ब्रेक होता है हम यहाँ पे कॉल साइड का एंट्री बना सकते हैं, और कॉल साइड का एंट्री बनाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है वो 22,449 का, ये हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा निफ्टी में। दूसरे रेजिस्टेंस की बात करूँ तो गैप फिलिंग आप देख पा रहे हो, ये गैप फिल होके भी मार्केट डाउन साइड आ सकती है। ये जो आप गैप देख पा रहे हो इस गैप को फिल करके भी मार्केट डाउन साइड आ सकती है, या फिर मार्केट इस रेजिस्टेंस को टच करने भी जा सकती है जो है 22,569 का रेजिस्टेंस, ठीक है। ये दोनों ही टारगेट है हमारे पास। नीचे की तरफ बात करें तो मार्केट को अगर डाउन साइड जाना है तो 200 दिन की और 50 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसे ब्रेक करना ज़रूरी है तभी मार्केट डाउन साइड जा पाएगी। अगर इसे ब्रेक भी कर देती है तो भी नीचे सपोर्ट मजबूत बना हुआ है, क्योंकि इस सपोर्ट से आप देख पा रहे हो ऑलरेडी एक रिकवरी आई हुई है, ठीक है। तो अगर मार्केट डाउन साइड आ भी जाती है दोनों ही मूविंग एवरेज को ब्रेक करके तो यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से एक रिकवरी आ सकती है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर बड़ा गैप डाउन हो जाता है यहाँ पर कहीं पर तो नीचे सपोर्ट बना हुआ है 22,159 का, ये हमारा पहला टारगेट होगा निफ्टी में। और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा निफ्टी में वो भी मैं आपको यहाँ पे लेवल बता देती हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है वो 22,007 का है, यहाँ तक का टारगेट हम अचीव कर सकते हैं। छोटा सा हल्का सा गैप मार्केट ने यहाँ पे छोड़ा हुआ है वो भी फिल हो सकता है, ठीक है। तो ये लेवल है निफ्टी के। अपसाइड की बात करूँ तो अगर 22,569 भी मार्केट ब्रेक कर जाता है, समझ लीजिए गैप ऑफ ओपनिंग हो गया यहाँ पर कहीं पर, गैप के पास ये जो गैप फिल होना बाकी है यहाँ पे कहीं पे ओपनिंग हो गया, मार्केट अगर अपसाइड निकलती है इस लेवल को ब्रेक कर जाती है तो हमारे पास अगला लेवल क्या होने वाला है 22,700 का, यहाँ तक मार्केट हमें मूवमेंट दिखा देगी। मार्केट अगर गैप ऑफ ओपनिंग होती है डाउन साइड आती है तो ये जो गैप छोड़ा होगा ना मार्केट ने ये वाला ये फिल करेगी और ये फिल करके एक रिकवरी दिखा सकती है। मार्केट अगर गैप ऑफ ओपनिंग होती है डाउन साइड आती है ये जो गैप फिल
छोड़ा होगा मार्केट ने, वो फिल करके अगर नीचे ब्रेकआउट दे देती है तो मार्केट इस लेवल तक भी आ सकती है, 200 दिन की मूविंग एवरेज और 50 डेज की मूविंग एवरेज तक भी आ सकती है। ये मूवमेंट मुझे नज़र आ रहा है निफ्टी में। मार्केट कहाँ पे ओपन हो रही है, कैसे बिहेव कर रही है, ये मैं वेट करूँगी, मार्केट को सेटल होने दूँगी और उसके बाद मार्केट में ट्रेड लूँगी। निफ्टी के लेवल मैंने आपको बता दी है, स्ट्रैटेजी भी बता दी है किस तरह से आपको वर्क करना है निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन कर रखा है मैंने। बैंक निफ्टी में आप देख पा रहे हैं, बैंक निफ्टी भी कल के जैसे ही मूवमेंट दिखाया, एक बड़ी कैंडल बना के और डाउन साइड आई। कल भी यही मूवमेंट हुआ था आप देख पा रहे हैं, और आज भी सेम मूवमेंट हुआ, गैप ओपनिंग दिया, गैप ओपनिंग देने के बाद बड़ी कैंडल बना के डाउन साइड आई। ये मूवमेंट मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में बता दिया था आपको, और उसके बाद आप देख पा रहे हैं पूरा दिन साइडवेज रही मार्केट। तो अब क्या हो सकता है, 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रही है मार्केट, 200 दिन की मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट ले रही है, ऑलरेडी सपोर्ट यहाँ पे हमारे पास बना हुआ है। कल के दिन अगर फ्लैट ओपनिंग होती है 50 डेज़ की और 200 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेती है मार्केट और यहाँ से एक रिकवरी दिखाती है, तो पहला टारगेट बैंक निफ्टी में होगा 48,097 का, दूसरा टारगेट होगा 48,513 का। ये हमारे दोनों ही टारगेट होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे गैप अभी भी बाकी है, पूरा भरा नहीं है, तो ये गैप फिल हो सकता है अगर मार्केट यहाँ तक आ जाती है, ठीक है। नीचे की तरफ बात करें तो पुट साइड जाने के लिए ये दोनों ही मूविंग एवरेज ब्रेक करना ज़रूरी है मार्केट के लिए, और ये जो सपोर्ट है ये सपोर्ट भी ब्रेक करना ज़रूरी है, तब हम पुट साइड एंट्री ले सकते हैं। तब तक पुट साइड एंट्री लेना रिस्की होगा। अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो जाता है प्रेडिक्शन के साथ, तो हमारा पहला टारगेट होगा 47,517 का और दूसरा टारगेट होगा 47,166 का। ये दोनों ही टारगेट हमें मिल सकते हैं अगर दोनों ही मूविंग एवरेज ब्रेकडाउन हो जाती है तो। अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताने वाली हूँ, 50 डेज की मूविंग एवरेज, 200 दिन की मूविंग एवरेज, दोनों के बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, दोनों ही वीडियो इम्पॉर्टेंट वीडियो है। क्रॉस ओवर यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्रॉस ओवर की भी वीडियो मैंने बना रखी है, उस वीडियो को भी जाके देख सकते हो। क्रॉस ओवर होने के बाद किस तरह से मार्केट मूवमेंट दिखाती है, बड़ा टारगेट हम अचीव कर सकते हैं, वो मैंने वीडियो में सिखा रखा है, वीडियो को जाके देख सकते हो, चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। अब आप यहाँ पे देखिए, क्रॉस ओवर हुआ मार्केट में, मार्केट ने एक बड़ा मूवमेंट दिखाया, ठीक है। ये वीडियो में बता रखा है कैसे आपको कैप्चर करना होता है क्रॉस ओवर के बाद का मूवमेंट, ठीक है, वीडियो को जाके देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ कि नहीं, अब ये मूवमेंट कहाँ पे देगा आप बताइए, मूवमेंट कहाँ पे देगा, ये अगर सीक्रेट जानना चाहते हैं वीडियो को जाके देखिए, वीडियो में मिल जाएगा आपको सीक्रेट, ठीक है। सेटिंग भी बता रखी है, सब कुछ बता रखा है वीडियो। तो यहाँ पे अगर डाउन साइड का मूवमेंट देना है मार्केट को, 200 दिन की और 50 डेज की मूविंग एवरेज को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर अप साइड का मूवमेंट देना है तो यहाँ से इस लेवल को अगर ब्रेक कर जाते 48,000 के इम्पॉर्टेंट लेवल को, राउंड फिगर लेवल है, इम्पॉर्टेंट लेवल है और साइकोलॉजिकल लेवल है, ये लेवल को अगर मार्केट ब्रेक कर जाती है तो बिल्कुल हमें मार्केट में 48,500 का लेवल देखने को मिल जाएगा और बिना डरे हम यहाँ तक का टारगेट बुक कर सकते हैं। ये बैंक निफ्टी के लेवल्स थे, निफ्टी के लेवल्स भी मैंने आपको बता दिए। जितनी भी स्ट्रैटेजीज है वो सारी स्ट्रैटेजी आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जो पेड कोर्स में भी नहीं सिखाई जाती वो सारी स्ट्रैटेजी दोस्तों मैं आपके लिए लेके आती हूँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज होती है, बिल्कुल भी मिस मत किया कीजिए एक भी वीडियो को, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस होती है। स्ट्रैटेजी की सेटिंग बता रखी है, इंडिकेटर जितने भी हैं मार्केट में जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ लाइव मार्केट में, वो सारे इंडिकेटर की वीडियो भी मैंने बना रखी है, वो वीडियो भी आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हो। इंडिकेटर्स की सेटिंग बता रखी है, कब वर्क करते हैं कब वर्क नहीं करते वो भी मैंने बता रखा है वीडियो में, तो वीडियो को जाके देखिए। जितनी भी कैंडलस्टिक पैटर्न है जो सच में मार्केट में वर्क करती है, वो सारी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में भी वीडियो मैंने बना रखी है, उन वीडियो को भी आप जाके देख सकते हो। RSI है, बोलिंजर बैंड है, उसके बाद हम बात करें तो मूविंग एवरेज है, जितने भी EMA हैं, 9 EMA, 50 EMA, 20 EMA, सारे EMA के बारे में, 200 EMA, सारे EMA के बारे में मैंने वीडियो बना रखी है। इंडिकेटर सारे जितने भी है सबके बारे में वीडियो बना रखी है, सेटिंग बता रखी है, सीक्रेट बता रखा है, स्ट्रैटेजी क्या बन रही है वो भी मैंने सिखा रखा है उन वीडियो में जाके देखिए। चार्ट पैटर्न की बात करें तो चार्ट पैटर्न जितने भी हैं मार्केट में, वो सारे चार्ट पैटर्न कितनी बढ़िया से वर्क करते हैं और कब वर्क करते हैं कब वर्क नहीं करते,
वो सब कुछ मैंने वीडियो में सिखा रखा है। चार्ट पैटर्न की भी वीडियो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, इतने दिनों से मैं ये चार्ट पैटर्न बता रही हूँ आपको, एम पैटर्न बन रहा है, एम पैटर्न यहाँ पे प्रोजेक्शन बन रहा है, ये मैं कितने दिनों से आपको बता रही हूँ, और बिल्कुल उसी तरह से मार्केट बिहेव कर रही है कि नहीं कर रही है, आप देखिए। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से क्या कर सकती है, ये डब्ल्यू बटन मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में भी बताया था आपको, डब्ल्यू बटन बन रहा है, नेक लाइन अगर ब्रेक हो जाएगी मार्केट एक रिप्लेसमेंट लेने आएगी और यहाँ से एक रिकवरी दिखाएगी, ये मैंने बताया था कि नहीं बताया था वो आप पिछले एनालिसिस वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब यहाँ से अगर रिकवरी आती है तो ये जो डब्ल्यू पैटर्न है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, हमारे लिए सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चार्ट पैटर्न हमारे लिए सक्सेसफुल हो जाएगा अगर रिकवरी यहाँ से पॉसिबल होती है तो। अब मैंने रिप्लेसमेंट लेवल क्या बताया था, चार्ट पैटर्न का रिप्लेसमेंट लेवल, चार्ट पैटर्न का रिप्लेसमेंट लेवल मैंने क्या बताया था, ये वाला रिप्लेसमेंट लेवल, यहाँ तक तो मार्केट को आना ही पड़ेगा तो ही ये जो प्रोजेक्शन बन रहा है उसका रिप्लेसमेंट कम्प्लीट होगा। ठीक है, ये एक फिबोनाची लेवल है, फिबोनाची लेवल के बारे में भी ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखी, उस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हो कितनी बढ़िया से वर्क करती है वो स्ट्रैटेजी। ठीक है, वो स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके भी आप जो है अच्छा प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकते हो। ऑप्शन चेन डेटा की वीडियो बना रखे, ऑप्शन चेन डेटा को लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करके आप किस तरह से बढ़िया सा प्रॉफिट बना सकते हो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हो। ऑप्शन चेन डेटा की वीडियो मैंने सिखा रखा है लाइव मार्केट में कैसे आपको देखना है ऑप्शन चेन डेटा को, और डेली बेसिस पर आप कैसे प्रॉफिट निकाल सकते हो वो भी मैंने सिखा रखा है, तो उस वीडियो को भी जाके आप देख सकते हो। सारी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आई बटन में वीडियो दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो है, एंड स्क्रीन में भी आपको वीडियो मिल जाएगी। डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो।